और ये देखो बदक दोस्तों, ये देखो बदक। करण जी ये किस तरीके की कटिंग है? गाइस एक्सीडेंट हो गया, हम बीच पे आ रहे थे और बीच पे आते आते हमारे भोंडे का पाए सरकार और गचक करके गिर गया। भोंडे कहाँ पे लगा बताओ, जख्म कहाँ पे हुए बच्चा? अपन अचानक में भयानक गोवा जा रहे हैं। अब तुम विचार करोगे कि अरे मालवण का विषय चल रहा है ना, तो हर बार मालवण गोवा क्यों? हमारे लिए दूसरी कोई जगह नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा एक इम्पोर्टेंट काम गोवा में आया, एक छोटा सा शूट है, तो उस शूट को एक दिन भी नहीं लगने वाला है, लेकिन हम वहाँ पे 4 दिन मचाने वाले हैं और शायद हम गोवा में 2 दिन मचा के और कहीं पे भी जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो जी हाँ, आज की ये जर्नी और आज का ये ब्लॉग स्टार्ट होता है और आज हम मजा करने के मूड में, काम 25। ओके, स्टे ट्यून, स्टे टुगेदर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो और गाड़ी को क्लीन रखो। जय राम जी। और ये देखो ड्राइविंग सीट हासिल कर ली है, सामान पैक कर दिया क्या अभी भाई? यस ब्रो, सामान पैक वन साइड है दोस्तों, ये देखो इसके अंदर पूरा पैकिंग है। दिखाता हूँ तुमको, दिखाता हूँ मैं, भरचूगर रपाक्स। ये देखो वन साइड कर दी। मैं यहाँ पे बैठने के लिए खुश हूँ, मस्त पैकी वन साइड जाएंगे। सोचा था कि बाइक लूंगा बट इतनी धूप है ना बाहर, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, बाइक को आग लग सकती है, मुझे भी लग सकती है। और फिलहाल जो मैटर चल रहे अपने ZX ट्रेनर को लेके, तो मम्मी बाइक डायरेक्टली ना बोली तो ठीक है, कोई बात नहीं, बाइक तो नहीं है लेकिन अगली बार कहीं पे लेके जाएंगे बाइक। फिलहाल तो अपन लेके जा रहे हैं अपनी सफरू, एंजॉय ना मेरी कफरू। सुहानी एक नींद लेने के बाद मैं और अभी भाई यहाँ पे सुसु करने आए हैं, उस्सू के मणि में। ये देखो उसका मणा किंग, और विट्ठल कामत के बोर्ड के पीछे इधर सुसु करेंगे हम, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, बहुत जोर से आई है, कहाँ जाएं। और ये सात बार होटल में रुका रहे हैं, सात बार होटल यहाँ से 40 किलोमीटर है, तो मैं सोच रहा हूँ इधर ही सुसु कर लेते हैं 2 मिनट। उसके मले में सुसु, यत्र यत्र गोमूत्र। ये देखो दोस्तों अभी भाई कहीं पे भी सुसु कर, एकदम गंदा इंसान है, एकदम गंदा इंसान है। मैंने नहीं की, मैं बस चेक कर रहा था क्या है, लेकिन इसने कर दी छी। देखो हमेशा मैं व्लॉग बनाता हूँ और मतलब आपने दिल से बोला ही होगा ना कितनी बार ये मालवण जाएगा, कितनी बार गोवा जाएगा, तो दोस्तों इन लोगों ने प्लान किया, मेरा प्लान नहीं था, तो ये जा रहे तो मेरी भी इच्छा होगी। क्योंकि गोवा में पिछली बार हम गए थे तो कितने दिन रुके यार, एक दिन भी नहीं रुक पाया गोवा में, तो अभी ये गोवा में प्रॉपर 1-2 दिन 3-4 देखते कितने दिन रुकते, मजा आएगा। और वहाँ से हम न्यूटी जाने का जो प्लान कर रहे थे ना, वो पिछली बार हम गए थे वो टेंट वाला एरिया, एकदम प्राइवेट आइलैंड कड़क वाला विषय, उस पर मुझे इच्छा मेरी रह जाएगी शायद, लग रहा है उधर 2 दिन मुझे जाना था, लेकिन वहाँ पे बुकिंग फुल है तो मैं जा नहीं सकता। ये देखो उसका विषय चल रहा है प्रॉपर लेवल पे, तो अभी देखते हैं, गोवा में ही मचाना पड़ेगा मेरी जान। अभी फिर से गाड़ी में बैठते हैं, प्रवास थोड़ा सा थकावट वाला है, मतलब कंटाला आ रहा है, बट भाई कोई बात नहीं, जाते हैं। ये लोग मेरे को फोर्स करते फ्लाइट से जाएंगे, मैंने इनको बोला भाई कार से जाएंगे, ये मेरे को ही होते हैं, क्योंकि कार में जो मजा आता है फ्लाइट में नहीं आता, फ्लाइट में रिस्क भी तो रहती है, कुछ मैटर हो गया तो। चलो कैसा लग रहा है गाड़ी चला के सर? देखो गाड़ी चलाते ठीक है, ये ऊस का मड़ा है ना इधर। हाँ तो तुम दोनों क्यों गए थे? अरे हम ऊस का रस चेक करने गए थे, मिलता है श्रीमान। हाँ चार्टर चेतर के साथ कमरे दोस्त, मैं कल रात को गलत नहीं बोला था स्क्रिप्ट पे, तुम चोड़े हो गए जी। आज वो दोनों नहीं ना, तो भोंडे मिला ना उसको, तो भोंडे को लेके गया कमाल है श्रीमान। सुधर का भाई अबे नाम मत रख, उसके मले में घुस रहे के तू आजकल, मना तो इल्ते बोल रहे हैं लोग दोस्तों। मैं चोड़ा, मैंने किसी को टच भी नहीं किया है, असल चोड़ा है पतिया और चेतन है और थोड़ा थोड़ा चार्ली भी है, ये 3 टॉप लेवल के चोड़े हैं। और ये करण मेरे पे अंडा डाल रहा है, रोज रात को डेविल को लेके जा रहा है, साली रात्र गेला डेविल कह रहे अपने को चोड़ा बोल रहे हैं लोग, ये डेविल का एक खास हो रहा है इसका, इसके बारे में तू क्या कहना चाहेगा? अरे तू उधर खास है तभी हम लोग को बोलता है क्या? बात बता, तू सुसु के लिए किधर भी जा सकता था, तुम उसके मड़े में क्यों रुकाई गाड़ी? और तुम दोनों एक ही जगह पे, भाई हम लोग का प्राइवेट काम था, तुमको कैसे लेना देना है उसमें? तुमको चिल्लाने आए क्यों भागे रहे दोनों? वो दोनों खड़े मालक पीछे क्यों गए थे उसके? हम लोग ने हम लोग का एडजस्ट किया, बोर हो रहा है। चलो देखो कैसे क्रिएटिव लोग पढ़े ले, देखो टाइम लैप्स निकाला जा रहा है, टाइम लैप्स मोनोपॉड बना के बंबू को, क्वालिटी टाइम लैप्स दिया जा रहा है यहाँ पर। ये देखो होटल 712 के दिल में, ये देखो वो अंकल नहीं क्या 712 के मालिक है, आप उनकी तरह बन सकते हो, आप मस्त किया है इन लोगों ने, सही किया है, इज्जत है। ये देखो गुड़ा ढोरो पद्धक्षी, काम 25 ना बच्चा,
इज्जत है दुकानदार। और ये देखो सशे पालन, सशे पालन वन साइड सशे और तो सशे की पिलोटे भी है, पिलोटे सशे के पिलोटे। और ये देखो बदक दोस्तों, ये देखो बदक ऐसा बैठा है, देखो ये देखो रट्टिया बदक, दूसरा हंसा है देखो ये तो बाबू भैया का दूसरा पार्ट और बाल तो देखो जुल्फी करके बॉबकट बैठा करा कोंबड़ा पण पाळला या लोकांनी, कोंबड़ा पण पाळला। और वीर देखो दोस्तों इधर लिखा है कि वीर बहुत खोल है और इसको बोलते हैं खोल। अरे इधर मैं 47 बार उड़ी मारूंगा 47 बार, लेकिन किंग है। पानी थोड़ा सा नीचे से क्लियर है, ऊपर से थोड़ा फिल्टर है। देखो इतना मस्त है सब, एकदम गांव जैसा वातावरण है। 7 होटल है ना, अच्छा लगता है। मैं पिछली बार वो आया था ना वहाँ पे आई थिंक कोल्हापुर के पे, अभी यहाँ पे आया हूँ। देखते सर जोते भी होते मस्त लगी। नहीं मैंने 2-3 जगह से क्या सुना दोस्तों, पता है क्या, किसी बंदे ने बोला कि 7 में जवन अच्छा नहीं, सर्विस अच्छा नहीं। पर्सनली हमने यहाँ भी आया, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है क्या, हम ऐसे ही रैंडमली आए खाना खाने के लिए। सर्विस भी अच्छी, जवन कीन, और एक थाली लो अनलिमिटेड खाओ वैसा विषय। और कोई एक्स्ट्रा खाना हो तो 80 पे करके एक कमी थाली आती है, उसमें भी अनलिमिटेड खाओ। इधर हाथ धोने की सोय व्यवस्थित है, तो पता है कैसा जवन था, इज्जत है कि नहीं, मजा आया। लेकिन जवन को इज्जत है बोलना। और मैंने जो वो पनीर का तांबड़ा पांडरा रस्ता तो, और ब्रोकोली का पीड़ा रस्ता इधर मिलता है स्पेशली 7। मैंने गोभी का भाजी खाया और मटन खाया थोड़ा मिक्स, उसको उन्होंने कुछ अलग बना। लेकिन इधर का खाना है ना सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। और आप भी आना, ये कौन सा एरिया, कोल्हापुर, कोल्हापुर का 7 बादशाह किंग इज्जत है। कोल्हापुर का नहीं, जेवन का 7 एकदम कड़क था, एकदम मस्त है। लोक काय बोलतात ते ऐकू नका, एकदा स्वतः ट्राय करा, तुम्हाला आवडेल 100%। जो कोई भी बोलर रहेगा ना उसने गलत बोला रहेगा, नहीं एक्सपीरियंस होता है, हर एक का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। हमारा अलग अलग थॉट है, हमारा अच्छा है लेकिन खाना अच्छा है, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बेस्ट। और 7 वाले थे काका, गंठन वाले काका, पूरी इज्जत। करण जी ये किस तरीके की कटिंग है, मैं वही सीखना चाहता हूँ, उनका काम होने तक फेस के लिए बैठा हूँ ताकि उनको सीखा पाए ये कटिंग बोलते हैं। काका क्वालिटी कटिंग कर रहे हैं, बगा 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 कुठला टेबल टेनिस विष्णु करण वर्सेस वर्ल्ड चॅम्पियन मिस्टर विष्णू, हमने वो छोटा टेनिस खेला और उसके बाद अभी थक के हम सो रहे हैं। और ये नेपच्यून ने ब्लॉग चालू किया इसलिए मुझे याद आया, ये देखो ये अपना कोबरा भी सोया है और उसका वो कुत्ता भी इधर कहीं पे है, इधर ही इधर ही। ये देखो ये देखो ये देखो कुत्ता, काम नहीं उद्योग नहीं, उत्तम उत्तम साड़ी चल रहे। अभी हम सो रहे दोस्तों, रात के बहुत लेट हो चुके हैं, रात के बस 4 हैं। अभी सुबह उठ के हम जॉगिंग करने का प्लान करने वाले, पता नहीं जॉगिंग कर पाए कि नहीं। फिलहाल तो सोते, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू, टाटा बाय बाय। मॉ तू कर रहे मॉ कर, पता है तू कर मॉ मॉ। सुबह हो गई है और मेरे भाई लोग उठ रहे हैं, देख सकते हो आप, रिलैक्स है। कैसा लग रहा है करण शेट, हाँ आंखें बहुत सूजी हुई है, काफी नींद अच्छी हुई है आपकी। सोया था, सोना जरूरी है आदमी, मैं गाड़ी ड्राइव नहीं किया क्या। ये देखो ये देखो चाय आ रहा है, चाय आ रहा है सर जी, चाय दे रहे, बहुत इज्जत है चाय को, रूपा रूपा भिड़गुप्पा। मस्त तो फ्रेश मॉर्निंग हुई है और नींद भी अच्छी खासी हुई, बट यहाँ पे ना वो बंग बेड टाइप सिस्टम है ना, तो सारे लोग एकत्र सोते हैं हॉस्टल। वहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा हो रहा था कि एक ऊपर कंदील लगा था, उसका मुझे बटन ही नहीं मिल रहा था कि कंदील ऑफ कैसे करें, तो मैं कंदील ऑफ नहीं कर पाया और नींद अच्छी नहीं हुई। और उसमें मुझे 7-8 सुसू आई, मैं कंटिन्यू सुसू जा रहा था क्योंकि इतना टेम्परेचर लो था ना, 16 पे AC रखा हुआ था, तो सुसू तो आएगी।
बट फिर भी 5 घंटे की नींद हुई है मैक्स। अभी हम यहाँ से फ्रेश होके कहाँ जाने वाले कुछ आइडिया नहीं, बट कहीं ना कहीं तो जाएंगे, टाइम पास नहीं करेंगे, देखते हैं। गाइस एक्सीडेंट हो गया, हम बीच पे आ रहे थे और बीच पे आते आते हमारे भोंडे का पाय सरका और गटक करके गिर गया। भोंडे कहाँ पे लगा बताओ, जख्म कहाँ पे हुए बच्चा? कौन बोला के लिए मिस किया दोस्तों। देखो हम यहाँ पे बीच पे आ रहे थे, अंगोल कर रहे थे, वो बंदा वहाँ पे देख रहा है, कंटिन्यू स्टीयर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भाई के पास आते आते फोटोग्राफी करते करते वो नीचे गिर गया, उनको बहुत ज्यादा जख्म आई है। और करण भाई ने वन साइड शूटिंग के लिए आईची चिप्पी। अभी भाई कैसे गिरे जरा एक बार दिखाइए तो सही दोबारा। भाई वहाँ पर मैं फोटो शूट करने के लिए गया था बट खटक गया। लगा है क्या, लगा कहीं पे वार हुआ है क्या? वार अभी तक वाचा। दोस्तों दिवस तीसरा और अभी भाई अपना मनोगत व्यक्त कर रहे हैं। हाँ क्या, तीसरा दिवस है यही पे हम पड़े हुए हैं। हाँ करण जी और अभी भाई क्या बोल रहे थे, वो आप समाज कार्य करने निकले थे रात को? क्या हुआ? हाँ उनके पास 4 बॉटल थी। किसकी? 5 बॉटल। हाँ उसने लाने को भेजे रात को 2:30 बजे। हाँ अभी भाई कहाँ से पूर्वस्तों को मदद करने निकले क्या मालूम, पूरी बॉटल उनको बांट दी, टूथपिक भी बांट रहे थे ना। हाँ, अभी भी कैसे क्या मतलब, क्यों इतना समझ कर क्यों कर रहे थे आप? मतलब उन लोग को इतनी जरूरत थी, उनको देख के ही मुझे समझ में आया कि इनको जरूरत है। मैंने उनको बोला कि ये लो आप पानी पी लो, वो बोले नो आई एम गोइंग टू पार्टी इन बागा। पार्टी ने भागा और कल आप सभी मतलब बहुत खूबसूरत लड़कियों से आपने बातें भी की इंग्लिश में, बहुत अच्छी अच्छी, और वो टीड़े का जोक लो, टीड़े का बस चल टिकली लगा दी खूबसूरती पर। हाँ गोंपड़ और टिकली का क्या दोस्तों आपको पता नहीं तो बताओ, करण का जोक बता दो। करण को जो अभी अगर करण टिकड़े भाई का धावला करण इकड़े बाइक है करण धावला। हाँ ऐसा करण है बाकी का नीचे एक मिनट गाइस बाइक 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 वाला पार बाइक मिल गया है। इंग्लिश लोग का है समझूं तो पड़ता है। हां फॉरेनर्स फॉरेनर्स है। हां ये हबब ले रहा कुत्ता, आता नहीं कुछ इंग्लिश फिर भी उनसे बातें करने के, इसका तो कुछ आता पता नहीं है, वो तो चिपक के बैठा है। देखना बागा बुला रहे थे पार्टी के लिए ऐसा विषय। कौन बागाला जाईल एवढाला? हा मी आलो तुमले आणि तू जरा चोळा जरा काय काय संबंध रंदा उधर बाकी आई होती काय ना आईले पिक्चर आईले ना आज जे होईल ते होईल पाहिजे रंदा तू चल तू चल मोठं जाऊ मस्त काय जॉब वाला चांगला इथे काहीच नाही अरे भेटेल म्हणजे काय सांगता तुम्ही? तुम्ही जेवण मी तुम्हाला जेवण आणायला पाठवलेलं, तुम्ही काय बोलत होता? खाणाही ढूंढ रहे थे ना अभि भाई आप? अरे अशी लोक मी कधीच बघितली नाही जी स्वतःलाच एक्सपोज करत रे, यांची लायकी नाही भावनो बस ना आता पिक्चर चालू आहे। मॅडम 64 एक का 65 और एक रहेगी 20-22 तो ये पार्टी 65 से बातें चल रही थी। अरे ये बात रहा था ये नौकरी में जाता है मैं फोटोग्राफर ये उड़ा दिल्ली काय मग तिने विचारलं तू काय करतो मग काय सांगायचं तिला? त्यांना स्वतःच्या वरचं जे काय उरलं सुरलं होतं ते त्यांना दिलं आणि त्यांना जॉईनच विचारलं त्या निघून गेल्या। अभी भाई का प्लान था उन सब साथ में पार्टी करने जाएंगे, लेकिन थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, खाना मंगाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। सब प्लान डिसाइड हुआ। अभी भाई ने एकदम बट में जाके ऊपर मेनू कार्ड वगैरह मंगाया, सब चेक किया, लास्ट में कम प्राइस वाला कुछ ऑर्डर किया, चिकन वगैरह कुछ नहीं,
तीन रोटी और चिकन करी। तीन रोटी और चिकन करी। और फिर वो सीन हुआ, सब लेन देन हुआ, फिर वो चले गए पार्टी के लिए। हम थोड़ा राउंड मार के आते हैं, करण भाई क्या बोलते हैं, मतलब कैसा तो हो रहा है, मतलब जेवन कैंसिल क्या? उधर से भाग गए। मैं डर रहा था कि लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर तो दे दिया, तो वेटर लोग ऐसे आपको देख रहे किधर देख रहे हो, दोनों जिनको ऑर्डर दिया था। हम चले आए रहे भाग के, एकदम तुम्बे से गाइस, ये तुम्बे से दोस्तों, इसको कहते सेल्फ एक्सपोज। लेकिन ये लोग खाना लाने गए थे मेरे लिए, बाकी कुछ विषय नहीं, बहुत अच्छे और सज्जन और सादे सुधे लोग हैं। चलो थोड़ा सा कॉफी बीफी देख लेते और फिर दूसरे होटल में जाने का रास्ता नापते हैं, मेरी कुब्बा। और फाइनली हमारा खोज यहाँ पे रुक गया। हम कंटिन्यू दो तीन होटल देखे, लेकिन फाइनली हम एक ऐसे होटल में, इस होटल का नाम है गोवन होटल समथिंग कुछ नाम है। जरा देखो तो सही व्यू, ये देखो इधर प्रॉपर रहने की रूम्स है, वहाँ पे डिलक्स रूम्स है, यहाँ पे डिलक्स रूम्स है, हर जगह पर। ये कितना प्यारा स्विमिंग पूल है देखो, मतलब एक अभिजीत भाई के किसी दोस्त ने रिकमेंड किया। और यहाँ से ऑपोजिट में वहाँ पे वो देखो, दिख रहा है वहाँ पे ये पूरा एरिया, ये वो डिलक्स रूम है पूरी पूरी, वहाँ पे हमें रूम मिलेगी। और शायद यहाँ पे अगर हो सके एक रूम का 7,000 कुछ भाड़ा है, तो अभी देखते क्या होता है, परवड़ता है तो काम 25 करते ना मेरी कुब्बा, अच्छा लग रहा है। और फाइनली मैं 2 दिन के बाद अंगोल करने वाला हूँ, ये देखो कैसे। और वहाँ पे बीच है, पूरा बीच साइड है, टेंशन नहीं, चिल द बॉय द बेबी द गेमिंग्स के दिल में दो अलग राने चाहता था हमारा। राने को कॉल कर दो, रुको, उसने कॉल किया था मुझे। वो अपना होटल है और ये एंट्री देखो ना दोस्तों, ये देखो एंट्री कड़क ना, पूरा बीच अपना ऐसा लग रहा है। यहाँ पे अभी पहुँच सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आज मेरी इच्छा पूर्ण होगी, मैं बीच पे पहुँगा, थोड़ा मजा आएगा। यहाँ पे रिलैक्स है, देखो सावली व्यूली वन साइड, एकदम प्रॉपर सवेरे, एकदम अच्छा लग रहा है, इज्जत है। पब्लिक, फाइनली हम बीच पे आ रहे हैं और हम आ गए हैं। और हमने काफी एक रील के लिए वीडियो शूट किए, पता नहीं मेरे वन साइड फोटो निकाले जो आपने ऑलरेडी पोस्ट देखी होगी। और अब हम फाइनली जा रहे हैं एंजॉय करने, बच्ची डिंगी गिली गिली की डिंगी, बहुत मजा आएगा, डिंगा ना करेंगे, माँ किया किया यस। नेप्चून आर्मी मजा एक्चुअली शूट कर रहा है, बेचारा वो सुन कर रहा है, आपको व्यू दिखाना इसलिए अपने पानी में दर्शन लेने जा रहा है। अभी मैंने कैमरा हाथ में लिए लाए और भाई मोबाइल लेके अंदर घुस रहे ले आए, अगर मोबाइल को कुछ हुए ले लाए तो व्लॉग नहीं आए ले लाए, लेकिन कुछ नहीं होगा, 125 यंद्र। अरे इतने इतने लाटे कितनी ऊपर आ रही है, ये देखो, हाँ मर्द बगू बगू मर्द, आई शक्कर एकदम मस्त वाट रहा, एकदम मस्त रिंग्स ऑफ द रिंग, उसको पूरा काक काक पानी सब पे पानी जा रहा है, सब ऊपर आ रहे हैं, अरे एवढी कमरे पर्यंत नाचते थे नीचे, बा उडी गेलं खाली गेलं पानी, आके नाच कर रहे थे ना, देख कैसे लग्जरियस लाइफ जीते ना वो, इसलिए इनको ये नॉर्मल लाइफ है। ए भारी वाटते पत्याला पत्याला, रेती लागते कुल्यांना, कुल्यात रेती गेली, कुल्यात आखी कुल्यात रेती गेली। हे देखो लहर, देखो दुसरी लहर आली, लहर केला घर, शपथ
कसल्या लहरीत अभी किंग द किंग मजा येते मजा येते. मी कंटिन्यू देख रहा हूँ, रेकॉर्डिंग हो रही है. पानी की वजह से कभी भी स्टॉप होती है रेकॉर्डिंग. रुको अभी ये हाथ दुख रहा है उस हाथ से करता हूँ. हाँ हाथ बदल दिया है. ट्रिपला ट्रिपला आयो ट्रिपला शॉट. ये तुम्हारा लहरी बे कसल्या लहरी येतात रे कचकी. ये गे गे नडा नडा. अर्थ मरल आईची कटकट रे. कपक्या मेला असता आता. आई ग आईला कसले लेंडुक सारखे उडताय रे दोस्तों. लेंडुक सारखे उडते लोक. ये लहर देखो अभी. ये पीछे की देखिए अभी. किंग लहर किंग लहर गाइस गाइस किंग लहर किंग लहर किंग लहर. अभी थोड़ा मोबाइल रख के मजे करते. कंटिन्यू शूटिंग चालू है. मोबाइल ठेवणार जरा. तुझे बोलने दे. बस बहुत मजा आ रहा है गाइस. और मजा आ रहा है. आई जी नारे पे रखते. आई गो दोस्तों मुझे बिना बताए शूट कर रहा है. मतलब गाली गलौज आने वाला था इसका. मैंने बचाया इसको. अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल में बहने के लिए. ऐसे ही चलो. और हम स्विमिंग पूल में आ गए. ये देखो बहुत अच्छा एरिया है. ये रात अभी भाई ने मारी उड़ी. और अभी तुम्हारा भाई भी मारेगा उड़ी. तो बोलते किंग ऑफ द मंगोलिया. बच्चू डर रहा है. बच्चू डर रहा है कि पानी में गेम बच जाएगी मोबाइल की. लेकिन अभी अभी भाई आपको पानी के अंदर मचाने के दिखाने के बच्ची के पैसे भी नहीं लेंगे. दोस्तों आना है आपको मेरे साथ. आ जाओ पानी. कैसे लगा? इज्जत है कि नहीं? समुंदर हो गया. हम अभी अय्याशी करने आए सोलह के साथ. इस पे किस पे भाई? सोलह के साथ सोलह. मुझे जबरदस्ती के फोटो निकलवा रहे हैं ऐसा चुम्बन लेते हुए. गंदगी चली. ब्लॉग कब आएगा मालूम नहीं. ये ब्लॉग कब आएगा मालूम नहीं. ये पर इसके जो फोटो अभी आने वाले हैं ना शाम को, आज के शाम को वो देखना. एकदम रोमांस फोटो बगितले किसिंग नुस्ती फोटो देखे रहेंगे आपने शायद से. तो कमेंट देना. अरे बस ना अभी पप्पी है ना कैमरे. दोस्तों हमारे में चैलेंज लगा श्वसन प्रक्रिया किसकी कठिन. किसकी फुप्फुस सब आश्चर्य कौन स्टेमिना मैंने. तो अभी हम तीनों बुड़केंगे पानी में और करण जी हमको पानी के अंदर शूट करेंगे कि हमारा स्टेमिना कितना किंग है. गोता खोरे मुंह गोता खोरो. रुको मुझे श्वास लेने दो. मैं 1 2 3 बोलता हूँ डूब जाना. 1 2 3
तीन चीज होता है अरे हाँ नल्ला तीन बार वस्तु कर गया हमारा का नहीं नहीं वो मैं आला वरना ये नल्ले को देख के मेरे को हंसना है ऊपर हम पानी के अंदर क्या कर रहे थे बात कर रहे थे ये चुच्चा ने ऊपर का तेल लिखा दो बार चलो अभी रिजल्ट देखना है वीडियो का बोलो तीन टाइम हेला गुड़वल तीन टाइम दिवस तीसरा इन गोवा और अभी मेरा लुक देखो मैं जानता हूँ तुम लोग अंदर ही अंदर गाली गलौज कर रहे होंगे कि ये क्या लुक है लेकिन ठीक है एडजस्ट कर लो कुछ दिन और मैं एकदम मस्त चश्मा विश्मा पहन के रिलैक्स कर रहा हूँ अंकल देखो इतने भाग रहे हैं मैराथन का जतरा चल रहा है और अभी हम जा रहे हैं गोवा के यहाँ के मार्केट में क्यों जा रहे हैं पता नहीं बट जा रहे हैं मैं आज वो मसाज लेने की इच्छा है मेरी वो नहीं क्या थाए मसाज वगैरह का विषय रहता है तो मुझे इच्छा तो है लेने की बस रिक्वायरमेंट मेरी एक ही रहेगी कि मसाज करने वाला मुझे लड़का चाहिए भाई मैं भी मसाज करने वाला हूँ पर करण मेरी मसाज लेकिन मुझे मसाज करने वाला इसकी तरह मर्द चाहिए इसकी तरह चोड़ा नहीं चाहिए ये देखो पीछे चोड़ा अंकल है गाइस आपने देखा ये देखो चोड़ा सलमान खान उर्फ चोड़ा जी समझ रहे हो तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट में देखते हैं कैसा क्या है हमेशा का डायलॉग करे तो क्या करे मेरी इसकीटी आगे जाके समझ में हाँ ये लोकेशन गोवा का फेमस लोकेशन है इसको कहते हैं लास वेगास सस्ता लास वेगास सस्ता लास वेगास और हम यहाँ पे टीटोज में आए थे टीटोज में टीटोज में बहुत मजा आया मतलब ये पसीना जो आया ना वो नाचने की वजह दोस्तों मजा मतलब पूरा 2500 वसूल किया है इतना नाचे ये लोग और मैं जीरो हूँ जीरो मुझे लगता है कभी कभी मैं इनके लिए बना ही नहीं हूँ मेरी लायकी नहीं है नहीं, मैं नहीं, इनके इनके साथ सूट नहीं तो निकले नहीं तो हम 4 बजे तक नहीं जाते हाँ और मेरी वजह से मजबूरी में लेकिन एक है कि वहाँ पे वीआईपी एंट्री मिली VIP एंट्री मिली और जो मजा आया ना ए पता है वो VIP एंट्री कितने की होती है 25 से 50 हजार इज्जत है और इम्पोर्टेंट विषय क्या पता है क्या कि नुसते पैसे उड़वायचा कारभार है बाकी काही विषय नाही भाई नुसते पैसे वेस्टेज काही अर्थ नाही नुसते डान्स चालू आहे नुसता धिंगाणा देखो 5 रुपयाची गोष्ट 500 रुपयाला मी हर चीज में बोलता हूँ लाइफ एक बार ही है सब जगह का एन्जॉय करके लो सिमन भाई हाँ हे टीटोचे मालक और दिवस पांचवा आई लेत आपले दिवस पांचवा और अब हम निकल रहे हैं घर के यहाँ पे कूच कर रहे हैं मेरी आज भी रहने की इच्छा है बट काम है जाना पड़ेगा बहुत बड़ा गैप हो गया अभी सारे लोग मुझे गाली गलौज करते होंगे आज ही मेरा इंटरव्यू आया लाइव पे बहुत अच्छा लगा लोग ए कौन सा चैनल लोकशाही चैनल बहुत अच्छा लगा और बस अभी वे टू होम जर्नी स्टार्टेड हो चुकी है बस बताने के लिए चालू हो चुका हूँ चलो Bye.